अभिषेक जी, तो आप देख सकते हैं कि अभिषेक झा पहुंच चुके हैं ईडी कार्यालय में। अभिषेक डिड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन द क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ बिग यू नो एम्बेसमेंट एंड स्टफ फॉर दिल एट द फॉल स्टार्ट बिकॉज आप इसमें हैव बीन अरेस्टेड एंड शी विल बी इन। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरीके से पूजा सिंघल के जो पति अभिषेक झा वो अभी ईडी कार्यालय पहुंचे और कुछ ही क्षणों के बाद ये सूत्रों के हवाले ये पता चल रहा है कि पूजा सिंघल भी कुछ ही क्षणों के बाद ईडी कार्यालय पहुंचेगी। जिस तरीके से पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, चाहे हम बात करें उनके सीए सुमन सिंह से या फिर उनके जो पति है अभिषेक झा उनसे, लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। लगातार आज चौथा या पांचवा दिन है जिसको लेकर आज फिर से एक बार जो अभिषेक झा है वो ईडी कार्यालय में देखे गए हैं। लगातार जो पूछताछ ईडी की ओर से पूछे जा रहे हैं उसको लेकर फिर से एक बार जो अभिषेक झा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सूत्रों के हवाले ये भी पता चल रहा है कि कुछ देर के बाद जो पूजा सिंघल है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी। और सुमन सिंह की अगर बात करें, जो उनके सीए है सुमन कुमार, उनकी बात करें तो वो सुबह 8:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं और जो सवाल है वो यहाँ पर उनसे पूछे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से उनका आज आखिरी दिन है, यानी कि सीए सुमन कुमार का रिमांड का जो आखिरी दिन है, उसके बाद आज उन्हें 4 से 5 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें फिर से रिमांड मिले, क्योंकि जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज पांचवा दिन है। और जिस तरीके से आपने अभी तस्वीर के माध्यम से देखा कि पूजा सिंघल के जो पति है अभिषेक झा वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ देर के बाद पूजा सिंघल भी यहाँ पर पहुंचेगी। लगातार जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप राजा।